धनतेरस आने से पहले तीन चीजें घर से हटा दें इससे घर में कंगाली आ जाती है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको धनतेरस पर चमत्कारी टोटके कैसे करने चाहिए आपको पूरी जानकारी देंगे उससे पहले धर्म कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए लक्ष्मी जी आपका हमारे घर में स्वागत है धनतेरस हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए प्रसिद्ध है इस दिन विशेष रूप से घर की सफाई और सजावट की जाती है ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके और घर में समृद्धि और सुख समृद्धि का वास हो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के पहले कुछ विशेष चीज़ों को घर से हटाना शुभ होता है क्योंकि ये चीज़ें घर में कंगाली और दरिद्रता को बुलावा देती है हम विस्तार से उन तीन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें धनतेरस से पहले घर से हटाना चाहिए ताकि घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहे यह न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है बल्कि इसमें घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का भी महत्व है टूटे हुए बर्तन और उपकरण अक्सर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं भारतीय धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि घर में मौजूद टूटे हुए बर्तन या उपकरण धन की देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकते हैं यह वस्त्र और दरिद्रता को बढ़ाने वाले तत्व माने जाते हैं विशेषकर धनतेरस के समय इनका होना और भी अनिष्टकारी माना जाता है क्योंकि यह त्योहार धन स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है टूटे बर्तन न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि इनसे जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि ये गरीबी का संकेत होते हैं इसलिए इस त्यौहार से पहले अपने घर में टूटे बर्तन खासकर कांच मिट्टी धातु आदि के बर्तनों को अलग करना चाहिए इसके स्थान पर नए और चमकते बर्तनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और समृद्धि आए धनतेरस के पहले घर से पुराने और अनुपयोगी कपड़े हटाना भी आवश्यक माना जाता है पुराने और फटे हुए कपड़े अक्सर नकारात्मकता और दरिद्रता का संकेत होते हैं ऐसे कपड़े न केवल घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं बल्कि घर की ऊर्जा को भी खराब करते हैं खासकर फटे और गंदे कपड़े घर में लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं धनतेरस का त्यौहार नई शुरुआत का प्रतीक है और नए वस्त्र धारण करना समृद्धि और नवीनता का सूचक है इसलिए इस दिन से पहले घर से पुराने बेकार और अनुपयोगी कपड़ों को निकाल देना चाहिए यदि ये कपड़े किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दिए जाएं, तो इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है घर की सफाई का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से विशेष महत्व होता है विशेषकर घर के कोनों में जमी धूल और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है यदि किसी घर में नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती तो वह स्थान दरिद्रता और कंगाली का केंद्र बन जाता है धनतेरस से पहले घर की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे और देवी लक्ष्मी का आगमन घर में हो सके घर के कोनों में जमी धूल मकड़ी के जाले और पुरानी गंदगी को हटाकर घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना चाहिए इसके अलावा घर में टूटी फूटी वस्तुओं पुराने कागज और अनुपयोगी सामान को भी हटाने से समृद्धि का आगमन होता है धनतेरस को लेकर कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी प्रचलित हैं हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि यदि किसी घर में गंदगी टूटे फूटे बर्तन या पुराने वस्त्र होते हैं तो देवी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती इसके विपरीत साफ सुथरे और व्यवस्थित घर में लक्ष्मी का वास होता है और वहां धन सुख और समृद्धि का संचार होता है धनतेरस पर घर से अनुपयोगी और नकारात्मक वस्तुओं को हटाने का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है यदि घर में ऐसी कोई वस्तु होती है जो दरिद्रता का संकेत देती है तो लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं होती धनतेरस के दिन न केवल बर्तन कपड़े और घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए बल्कि घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि इस दिन घर के द्वार पर रंगोली बनाना दीपक जलाना और घर के मुख्य द्वार को सजाना भी शुभ माना जाता है घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इन सभी चीजों का भी खास महत्व है धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार निकाली जाती है तिथि का निर्धारण चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है इस वर्ष 2024 में धनतेरस का पर्व उनतीस अक्टूबर को मनाया जाएगा जिसका शुभारंभ सुबह दस बजकर इकतीस मिनट से होगा और इसका समापन अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर एक बजकर पंद्रह मिनट होगा धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को छह बजकर इकतीस मिनट से रात आठ बजकर तेरह मिनट तक रहेगा इस समय के दौरान भगवान धनवंतरी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है पूजा के दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाए जाते हैं जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली आती है सोना और चांदी खरीदने के लिए भी धनतेरस एक विशेष दिन होता है इस साल सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त उनतीस अक्टूबर को सुबह दस बजकर इकतीस मिनट से लेकर अगले दिन तीस अक्टूबर को सुबह छह बजकर बत्तीस मिनट तक है इस मुहूर्त में बीस घंटे और एक मिनट का समय मिलेगा जिसमें सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने की परंपरा अत्यंत पुरानी है हिंदू धर्म में सोने और चांदी का विशेष महत्व है क्योंकि ये धातुएं न केवल समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं बल्कि इनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी हैं प्राचीन काल से ही सोने और चांदी को धन और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है भारतीय समाज में सोने और चांदी को संचित करने की परंपरा रही है और इस परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण दिन धनतेरस होता है समाज में सोने और चांदी का संग्रह आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए यह धार्मिक मान्यता है कि कुछ वस्तुओं को खरीदने से दरिद्रता दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है चलिए विस्तार से जानते हैं कि किन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे सकारात्मक ऊर्जा का वाहक नहीं माना जाता प्लास्टिक को स्थायित्व और शुद्धता के विपरीत माना जाता है इसलिए इस दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए धनतेरस पर एल्यूमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए धार्मिक दृष्टिकोण से एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग अशुभ माना गया है यह धातु घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और समृद्धि को रोक सकती है इसलिए इस दिन केवल तांबे पीतल या चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए धनतेरस पर धारदार वस्तुएं जैसे चाकू कैंची ब्लेड आदि की खरीदारी से बचना चाहिए इन वस्तुओं को खरीदने से घर में विवाद और कलह की संभावना बढ़ती है धार्मिक दृष्टिकोण से ये वस्तुएं नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं और इनकी उपस्थिति से घर में शांति भंग हो सकती है लोहे की वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए धार्मिक मान्यता है कि लोहे का संबंध देव से होता है और शनि की अशुभ दृष्टि को रोकने के लिए इस दिन लोहे की वस्तुओं की खरीदारी से बचा जाता है यदि लोहे की कोई वस्तु घर में लाई जाती है तो यह दुर्भाग्य और दरिद्रता का कारण बन सकती है धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुएं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए कांच का संबंध राहु से होता है जो अशुभ ग्रह माना जाता है इसके अलावा नकली आभूषण समृद्धि को कम करते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में बाधा बन सकते हैं धनतेरस पर काले रंग के कपड़े खरीदने से बचना चाहिए काला रंग नकारात्मकता अशुभता और शोक का प्रतीक माना जाता है इस दिन हल्के रंगों का चयन शुभ माना जाता है जैसे सफेद पीला लाल या गुलाबी रंग धनतेरस पर मिट्टी के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए धार्मिक मान्यता के अनुसार मिट्टी के बर्तन खरीदने से घर की बरकत कम होती है ऐसा माना जाता है कि मिट्टी से बनी वस्तुएं आर्थिक समृद्धि को कम कर सकती हैं और घर में दरिद्रता ला सकती हैं धनतेरस पर कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी खरीदारी अत्यधिक शुभ मानी जाती है ये वस्तुएं धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समृद्ध शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं जैसा कि पहले बताया गया है सोना और चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है ये धातुएं समृद्धि का प्रतीक होती हैं और इन्हें घर में लाने से धनलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है धनतेरस पर नया बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है बर्तन तांबे पीतल या चांदी के होने चाहिए बर्तन का धार्मिक महत्व होता है और इसे खरीदने से समृद्धि बढ़ती है धनतेरस पर घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए आम के पत्तों फूलों और धातु के तोरण खरीदने का विशेष महत्व है माना जाता है कि लक्ष्मी माता ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई और सुंदर सजावट होती है दीपावली का आरंभ धनतेरस से होता है इसलिए दीपक खरीदना भी शुभ माना जाता है दिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर को प्रकाशमान रखते हैं मिट्टी के दीपक जलाना खासतौर पर लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है धनतेरस पर कुबेर यंत्र खरीदना और इसकी स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है कुबेर यंत्र भगवान कुबेर का प्रतिनिधित्व करता है जो धन के देवता माने जाते हैं इस यंत्र को घर के पूजा स्थान या धन रखने वाली जगह पर स्थापित करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है सोने और चांदी के आभूषण धनतेरस पर खरीदना शुभ होता है खासकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चांदी के आभूषण बहुत शुभ माने जाते हैं आभूषण न सिर्फ समृद्धि का प्रतीक होते हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आभूषणों को धारण करना सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है और इसे आर्थिक समृद्धि का संकेत माना जाता है धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा खरीदना और घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है तुलसी माता का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और इसे घर में लगाने से पवित्रता और समृद्धि आती है तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है इसके अलावा धनतेरस पर इसे खरीदकर लगाने से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं धनतेरस के दिन धातु की मूर्तियां विशेषकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदना और पूजा करना शुभ माना जाता है पीतल चांदी या तांबे की मूर्तियां विशेष रूप से पूजन के लिए उपयोगी होती हैं मूर्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है सिक्स धनतेरस पर विशेष पूजा विधि धनतेरस के दिन पूजा करने की विशेष विधि होती है जिसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न किया जाता है इस दिन मुख्य रूप से भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा की जाती है पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां धूप दीप फूल और अगरबत्ती चावल रोली मौली चांदी का सिक्का या अन्य धातु के सिक्के मिठाई और फल कमल का फूल विशेषकर लक्ष्मी पूजा के लिए तांबे या पीतल का कलश